हेलो गाइस, मेरे किचन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी फ्राई। बनाना एकदम आसान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, ये हमारी डिश तो रेडी है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम फ्लावर, अच्छी तरह से मैंने धो के लिया है। और अब चाहिए हमें कटा हुआ टोमेटो, दो तीन हरी मिर्ची कटी हुई, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ता और एक बड़ा कटा हुआ प्याज। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें मसाले जो जाएंगे वो है रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, एक छोटी चम्मच राई, धनिया पाउडर, स्वाद के लिए नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस को मैंने ऑन कर दिया है। 4 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने ऑयल यूज़ किया है और इसी ऑयल में मुझे गोभी जो है फ्राई करना है, अच्छी तरह से फ्राई करके लेना है। तो चलिए गोभी हम फ्राई करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, अच्छी तरह से गोभी हम फ्राई करेंगे। हल्का सा गोभी का कलर चेंज होता है, 2 मिनट के लिए हम इसे अच्छा सा पका लेंगे। थोड़ा सा नमक डाला है यहाँ स्वाद के लिए। तो देखिए गोभी हमारी अच्छी सी फ्राई हो रही है। अब यहाँ थोड़ा सा गैस को हम कम कर देंगे। और ये हमारी गोभी अच्छी सी पक गई है, तो हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और फिर बाद में सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्राई करने के बाद जो बचा हुआ ऑयल है उसी में हम तड़का देंगे। अब इसमें जाएगा राई, जीरा आधा चम्मच, प्याज कटे हुआ, हरी मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला और जो हमने को फ्राई किया है वो अब इसमें डाल के अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि पूरे मसाले से अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। कटा हुआ टोमेटो लास्ट में और धनिया पत्ता डाल देंगे। 2 मिनट के लिए और अच्छा सा पका लेंगे हम इसे। देखिए हमारी सब्जी रेडी है मीडियम फ्लेम पे। और दो थोड़ा सा हम इसे और थोड़ा सा पका लेंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं, सब्जी हमारी रेडी है सर्व करने के लिए। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए सब्जी कैसी हुई है। गार्निश के लिए हम यहाँ रखेंगे 1 नींबू और कटा हुआ प्याज,